वेलकम टू द सिजलर्स। थंबनेल को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी। छाना पायस या पनीर खीर बेसिकली बंगाली डिश है। आपको तो पता ही होगा कि बंगालियों को मीठा जितना पसंद होता है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। छाना पायस या पनीर की खीर ले लीजिए आप। बनाने के लिए पहले हम पतीले में डालेंगे 1 लीटर दूध, जिसे हमें फाड़ के पनीर या छेना बनाना होगा। दूध को हम गर्म होने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए, हम इसमें डालने वाले हैं 3 टेबलस्पून विनेगर। 3 टेबलस्पून विनेगर 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए काफी होता है। अगर आपको लगे कि इतने विनेगर से आपका दूध नहीं फटा है, तो आप इसमें 1 और टेबलस्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं। दूध कट के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से दूध फट चुका है। अब हम छन्नी की मदद से फटे हुए दूध को छान लेंगे और चम्मच से दबाते हुए सारा पानी निकाल लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए छेने में, ताकि छेना बिल्कुल ही सूखा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं पानी। नॉर्मल टेम्परेचर में पानी डालने से छेना का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। और दोबारा से हम चम्मच से दबाते हुए पानी को छान लेंगे। पैन में हम डालेंगे 500 ml दूध। जिसके गर्म होने पर हम डालेंगे 5 से 6 इलायची। हम मिला लेंगे। ऐड करेंगे हम 2 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूध को हमें थोड़ा थिक करना है। पैन में हम डाल रहे हैं घी 1 टेबलस्पून। घी के पिघलने पर हम इसमें डालेंगे छेना। छेना को हमें हल्का ही फ्राई करना है, ताकि घी का जो फ्लेवर है वो छेना में आ जाए। दूध थिक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे छेना। इसे मिक्स करेंगे और तैयार है छाना पायस। आप इसे ठंडा ही सर्व करें। गार्निशिंग के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी या केसर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए रेसिपी या एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सिजलर्स। ईट गुड टू ट्रैवल अलॉट। शुक्रिया।